नमस्कार। गली से गलियारे तक, सड़क से मंत्रालय तक, हर खबर पर नजर। आप देख रहे हैं नेटवर्क महानगर। मुंबई से सटे कल्याण के डोंबिवली इलाके में सोशल मीडिया पर दो नाबालिग बच्चों का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो में दोनों बच्चे हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आ रहे हैं। मामला जन्मदिन का पोस्टर फाड़ने का बताया जा रहा है। वीडियो में बच्चे अपनी गलती को कबूल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने एक नगर सेवक के कहने पर पोस्टर को लेके मैंने पुलिस को घटना को संज्ञान में लेकर जब मान पड़ा, पुलिस ने जांच शुरू किया तो सामने एक अनोखी घटना नजर आई। मेरे तरफ से मैंने मांग की कि ये जो दो लोग है, इनको मैं पहचानता था, पहचानता भी नहीं हूँ, मगर ये लोग ये ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे बारे में, इसकी जाँच होने के लिए मैंने वहाँ पर एक जाके NC करके गुना नोंद किया। उसके बाद पुलिस लोगों ने जांच शुरू की। जांच में वो जो दो लड़के लोग थे, पुलिस लोगों ने उनको वहाँ से लेके आए जिधर भी थे, और उनके उनको किसने कहला कहने के लिए कहा था वो सब, कि कुणाल पाटिल ने हम लोगों को ऐसे ऐसे बैनर फाड़ने के लिए बोला था, ऐसा उनके पास से वीडियो शूटिंग में बोलने बोला था उनको। उनको मार के उनको गाड़ी में डाल के लेके आए, मारा उनको, मारा पीटा गया। तो ये सब पुलिस ने तपास किया। उसके बाद में वो सब झूठा है, उन्होंने ये सब ड्रामा किया था, ये पुलिस के सामने साबित हुआ है। और मेरी एक ही मांग है कि ये हमेशा हमेशा मेरे ऊपर, मेरे जो भाई है, मेरे चाचा है, मेरे फैमिली है, इनके ऊपर ये राजकीय क्षेत्र के राजकीय हेतु बोलूँ या सामाजिक बोलूँ, इसमें हम लोगों का जो नाम है वो किधर तो कम करने के, इसमें ये लोग का ज़्यादा करके मुझे ऐसा लगता है। इसमें देखिए, पहली बात, कुछ दिनों पहले महेश पाटिल मेरे हत्ते के सुपारी के इसमें वो अरेस्ट है। उसका जो भाई है अमोल पाटिल, उसने व्हाट्सएप पे वायरल किया पहला, तो मतलब उनका ये सब गैंग है, ये राहुल पाटिल, महेश दशरथ गायकवाड़ ये सब ये काम करते रहते हैं। अन्य बार मुझे फंसाने का कोशिश किया, मगर पुलिस ने जांच किए, बार बार मैं बचते गया हूँ और अभी भी आज भी बच गया हूँ। कहने का इतना ही है कि पुलिस लोग जो चौकसी कर रहे हैं उनके ऊपर हम लोग को पूरा भरोसा है। अभी इसमें जो इसके पीछे कौन और है, नगर सेवक है, को मतलब कुणाल पाटिल शेटनी आणि बसूरने। बोल, माझं नाव श्याम कामदेव मंडल, मी राहणारा गावडीतला। आम्ही डोंबिवली स्टेशनवरनं येत होतो, डोंबिवली स्टेशनवरनं येत होतो आम्ही कल्याणकडे निघालेलो, आणि पिसवली गावाच्या इकडे आम्हाला एका फोर व्हीलरने रेड कलरच्या वॅगनरने अडवली, आणि तिकडनं उतरले, त्याच्यातनं 5 जण उतरले, त्या 5 जणांनी आम्ही चापटी मुठी मारल्या, लाठीबिठी मारल्या आणि फोर व्हीलरमध्ये टाकलं आम्हाला। त्याच्यातली 2 जणं गेली, 3 जणं फोर व्हीलरमध्ये आमच्याबरोबर चढली आणि आम्हाला गावात घेऊन गेले, पिसोळीच्या गावात घेऊन गेले, तिथे मारलं वगैरे, आणि आम्हाला कोटी व्हिडिओ काढायला सांगितले की तुम्ही एक व्हिडिओ द्या आम्हाला, आम्ही तुम्हाला सोडून देतो, आणि असे असे काही तुमचं काय असेल आम्ही करून देतो तुम्हाला तुमचं, तर तशी आम्हाला एक व्हिडिओ काढायला सांगितली। कोणत्याबद्दल? नगरसेवक कुणाल पाटील यांच्याबद्दल आम्हाला एक व्हिडिओ काढायला सांगितली छोटीशी, तर आम्ही घाबरून एक व्हिडिओ काढली की आम्हाला त्या लोकांनी मारायची धमकी दिली पूर्ण, त्यामुळे आम्ही घाबरून एक व्हिडिओ काढली, तर ती आम्ही घाबरून ती व्हिडिओ दिली आम्ही काढून, तर त्या काय बोलायला सांगितलेलं व्हिडिओमध्ये? व्हिडिओमध्ये बोलायला सांगितलेलं की कुणाल पाटील नगरसेवकांनी आम्हाला सांगितलं आहे की यो बॅनर फाडायला, आणि आम्हाला असं कुणाल पाटील नगरसेवकांनी असं सांगितलं पण नव्हतं, आणि आम्ही कुणाल पाटील नगरसेवकांना ओळखत पण नाही, आम्ही या दादांना ओळखत पण नाही, आम्ही आम्हाला फोटो फसवला आणि व्हिडिओ काढायला सांगितलं, आणि ती व्हिडिओ अशी अशी टाकली। दुसऱ्या दिवशी दादांनी आम्हाला बोललं तुम्ही हे केले का, आम्ही असं काही केलं नव्हतं, तर ते लोकांनी राहुल पाटीलने फोन करून बोलला त्यांचा की व्हिडिओ काढा करून, ते राहुल पाटीलने बोललं फोन करायला, फोन करून। किती जण होते तुम्हाला मारायला? 20 ते 25 जण होते आम्हाला मारायला, 20 ते 25 जणांनी सगळ्यांनी आम्हाला मारलं, हातापायानीच मारलं, बाकी कशाने नाही, एक दोन दांडे पण मारले आम्हाला, व्हिडिओ काढताना एक दोन दांडे पण मारले मागून,
काठी वगैरे ने. कोणी ओळखीचा होता मारणाऱ्यांमध्ये? नाही, एकच होता, तो आकाश भोईर नाव आहे त्याचा, तोच होता फक्त. सर क्या मामला है, क्या हुआ था? दो दिन पहले दो बच्चों को किडनैप करके अड़वली में एक जगह पे लेके उनसे जबरन वीडियो रिकॉर्डिंग किया था. उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि किसी यहाँ के लोकल नेता ने बोला है, लोकल कॉर्पोरेटर ने बोला है कि पोस्टर फाड़ने के लिए. इस तरह का वीडियो था, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था. और उन्होंने बोला कि हमसे जबरन किया गया था, इसीलिए हम डर के आए नहीं थे, लेकिन अभी आज हम कंप्लेंट लेना चाहते हैं. उनकी कंप्लेंट दर्ज की, दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनमें विशाल पाटिल और आकाश भोईर, वो दो आरोपी हैं, और इन्वेस्टिगेशन चल